कि आप जानते हैं कलर्स टीवी के सुपर नेचुरल शो में हाल ही में हमें 20 साल का जनरेशन लीप देखने को मिला है। इस वजह से सीरियल की टीआरपी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और दर्शक नागिन 6 सीरियल के हर एक एपिसोड को देखने के लिए हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं। जहां इसमें फिर एक बार एक नई एंट्री हुई है जो है टीवी इंडस्ट्री के मशहूर और हैंडसम एक्टर प्रतीक सेजपाल की, जो सीरियल में प्रथा की बेटी अनमोल के लवर रुद्रा के रूप में नजर आने वाले हैं, जिनके इस किरदार से सभी दर्शक काफी ज्यादा खुश हैं और इनका ये दमदार किरदार सीरियल में भी अपनी धांसू एंट्री कर चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं सीरियल में रुद्रा का किरदार निभाते नजर आ रहे अभिनेता प्रतीक सेजपाल मेकर्स की पहली पसंद नहीं है, बल्कि इनसे पहले भी टीवी इंडस्ट्री के कई और अभिनेताओं को मेकर्स ने इस रोल के लिए अप्रोच किया था पर उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। पर आखिरकार उन अभिनेताओं की ऐसी क्या वजह रही जिन्होंने इस रुद्रा के किरदार को निभाने से साफ इनकार कर दिया, इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेताओं से रूबरू कराएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों उन्होंने इस किरदार को निभाने से साफ इनकार कर दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर एक, आसिम रियाज। सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में नजर आने वाले अभिनेता आसिम रियाज की, जिन्होंने अपने जबरदस्त स्टंट से दर्शकों का दिल जीत लिया था और जब मेकर्स ने रुद्रा के रोल के लिए अप्रोच किया तो इन्होंने ये कहते हुए इस रोल को रिजेक्ट कर दिया कि वो किसी भी सीरियल में काम नहीं करना चाहते क्योंकि उनका इंटरेस्ट फिल्मों में है और वो फिल्मों में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। नंबर दो, शब्बीर आलूवालिया। इंडस्ट्री के मोस्ट हैंडसम और टैलेंटेड अभिनेता शब्बीर आलूवालिया का, जो इन दिनों जी टीवी के सीरियल प्यार का पहला नाम राधा मोहन में मोहन का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने किरदार से सभी दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। बता दें कि शब्बीर आलूवालिया को भी रुद्रा के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन इन्होंने ये कहते हुए इस रोल को रिजेक्ट कर दिया कि ये अभी अपनी इस सीरियल में काम कर रहे हैं और उन्हें किसी भी सीरियल में काम करने का टाइम नहीं है क्योंकि वो अपने सीरियल प्यार का पहला नाम राधा मोहन सीरियल की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी हैं। नंबर तीन, धीरज धूपर। अब बात करते हैं जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में नजर आने वाले अभिनेता धीरज धूपर के बारे में, जिन्होंने कुंडली भाग्य सीरियल में करण लूथरा के किरदार को इतनी बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया कि दर्शक भी इनके दीवाने हो गए। बता दें कि इन्होंने भी रुद्रा के रोल को रिजेक्ट करते हुए कहा कि मैं इस रोल को नहीं कर सकता क्योंकि हाल ही में मैंने 5 साल तक एक डेली सोप को टाइम दिया है और फिलहाल मैं सीरियल शेर दिल शेर गिल में बिजी हूँ। इसी के साथ इन्हें झलक दिखला जा सीजन 10 में भी देखा जा रहा है और इसलिए उन्होंने ये कहते हुए मना किया कि मैं एक साथ दो सीरियल नहीं कर सकता। नंबर चार, मोहसिन खान। लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शुमार है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक का किरदार निभाकर आज देश भर में मशहूर होने वाले अभिनेता मोहसिन खान का। बता दें कि मेकर्स ने रुद्रा के किरदार के लिए मोहसिन खान को भी अप्रोच किया था लेकिन मोहसिन खान ने ये कहते हुए इस रोल को रिजेक्ट कर दिया कि हाल ही में मैंने काफी लंबे समय तक एक डेली सोप में काम किया है, फिलहाल मैं थोड़ा रेस्ट चाहता हूँ और डेली सोप के अलावा कुछ नया करना चाहता हूँ, इसलिए इन्होंने भी इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन अभिनेताओं ने इस रोल को रिजेक्ट करके सही किया या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।